हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं, आइशर मोटर लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 2590 से 2600 के बीच ये कारोबार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है 19/5/2021 को। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। चौथी तिमाही का रिजल्ट आना है, कंपनी ने अपडेट दिया है, एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे। इसका जो रिजल्ट आना है दोस्तों, वो आना है 27 मई 2021 को आना है। फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। टू कंसीडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 31, 2021 एंड डिविडेंड। जो ऊपर के लेवल पर ट्रैप हुए हैं तो आने वाले दिनों में डिविडेंड मिलेगा। एक नज़र मार्केट कैप की बात करते हैं, उसके बाद शेयर होल्डिंग की बात करेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट की बात करेंगे। दोस्तों आइशर मोटर का जो मार्केट कैप है 19/5/2021 तक 70,933 करोड़ का है और फेस वैल्यू 1 रुपये का है। बुक वैल्यू की बात करते तो 365 का है। डिविडेंड भी देती है कंपनी और इस बार अनाउंसमेंट भी हो सकता है। दोस्तों एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न में डालते हैं। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है 49.2% की है मार्च 2021 में, और एक साल पहले देखते तो 49.28 का है। तो एक तरह से देखते तो 49 का मेंटेन है इनका, के बाद 49.23 का है, हल्का सा एक तरह से इन्होंने सेल किया है और एक तरह से मेंटेन है 49 का। एफआईएस की बात कर लेते हैं तो देखिए, और एफआईएस की जो होल्डिंग है मार्च 2020 में 27.71 का था और अब की बार 29.06% का है। तो एक तरह से एफआईएस ने पिछले साल के अनुसार बढ़ाया है ये, और पिछले क्वार्टर में भी 28.989 का था और इससे पहले 28.16। तो एक तरह से थोड़ा सा बढ़ाया है एफआईएस ने अपनी होल्डिंग पिछले साल के अनुसार। और DIs का क्या रहा है देखते हैं, तो DIs की जो होल्डिंग है मार्च 2021 में 9.23 का है दोस्तों। तो DIs ने एक तरह से देखिए कम किया है, 11.27 का पिछली बार था मार्च 2020 में, उसके बाद इनका था 12.09 का, और उसके बाद देखिए सितंबर में भी कम हुआ, फिर दिसंबर में भी 9.4 का था और 9.23 का। यानी मीन्स DIs ने बेचा है और FIs ने एक तरह से बढ़ाया है, और प्रमोटर की जो होल्डिंग है 49.23 के। दोस्तों आइशर मोटर का अगर हम रिजल्ट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 2828 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, तो अब की बार इससे बढ़ के आता है, और पिछले साल के अनुसार अगर बढ़ के आता है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है और तेज होता हुआ दिखेगा, डिविडेंड भी मिलेगा। तो दोस्तों ये आइशर मोटर लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। अभी ये जो ट्रेड कर रहा है लगभग 2596 में ट्रेड कर रहा है और ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अब ग्रीन कैंडल क्यों बना हुआ है आज ये डे ट्रेड के हिसाब से देखें तो ओपन हुआ है 2549 में, हाई बनाया है 2614 रुपया और लो है 2540। अभी ट्रेड हो रहा है 2598, और यानी मीन्स एक तरह से ओपन नीचे की तरफ है, डाउन में है और लो भी डाउन में है 2549 और 2540। जो ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस होना चाहिए डे के हिसाब से, और ऊपर की तरफ का जैसे कि 2614 को अगर ब्रेक करता है तो वहाँ से और तेज होता हुआ दिख सकता है। अभी बुलिशनेस, आगे का जो टारगेट होगा हमारा ऊपर का, 2627 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, 2630 के आसपास अगर क्लोज हो जाता है तो मान के चलिए जो टारगेट होगा हमारा ऊपर का लगभग ये होगा 2674 के आसपास तक होगा दोस्तों। 2670 मान के चलिए, 4-5 पॉइंट ऊपर की तरफ, 4-5 पॉइंट नीचे की तरफ का एक टारगेट होगा। जो ये तेजी बनी हुई है, बुलिशनेस आई है, हो सकता है रिजल्ट से पहले यहाँ तक जाता हुआ दिखे, और ये अगर 2670 के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो मान के चलिए एक लगभग 100 पॉइंट ऊपर की तरफ का होगा, ये 2790 तक का एक टारगेट होना चाहिए। तो जिन्होंने देखिए अभी अभी लिया है, रिसेंटली लिया है, लगभग 2300, 2400, 2500 के आसपास लिया है, तो उनको वेट करना चाहिए, और स्टॉप लॉस अगर अपना प्रॉफिट वाला लगाना चाहते हैं तो 2549 का लगाना चाहिए तो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, अन्यथा बने रहना चाहिए दोस्तों। ऑटो सेक्टर में अब तेजी की संभावना रहेगी और धीरे धीरे ये जो स्थिति बनी हुई है, सिचुएशन बना हुआ, खत्म होगा और नेक्स्ट एक दो महीने के अंदर अच्छा खासा ये तेज होता हुआ दिख सकता है। देखिए ऑटो सेक्टर के शेयर एक तरह से पिछले फरवरी से इसमें गिरावट है, 3000 के लेवल से ये गिरा, फिर एक बाउंस बैक हुआ और फिर से नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ गया। अगर हम पिछले 4-5 महीने का ट्रेंड देखते हैं तो एक तरह से काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है, इसमें ट्रेड भी काफ़ी होता है,
तो जो यहाँ पे जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं 2800-2700 उनको होल्ड करना चाहिए ऊपर की तरफ का, और डाउन में अगर दिखता है सब तो एक तरह से बाय करना चाहिए। जिनके पोर्टफोलियो में आइशर मोटर है तो उनको बने रहना चाहिए। ग्रोथ की बात आएगी डेफिनेटली स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा, पिछले कुछ सालों में तो जबरदस्त रिटर्न दिया निवेशकों को, स्पीड हुआ है ये। तो एक तरह से जो ट्रेड करते हैं तो वो स्टॉप लॉस के द्वारा उनको कामकाज करना चाहिए, जैसे कि 2599 के आसपास है 2% का स्टॉप लॉस। प्रॉफिट भी बुक होता है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, जैसे कि अभी ये टारगेट अपना होगा ऊपर का 2670 के आसपास का। और RSI को अगर हम देखते हैं तो 61 में, यानी मैं सब ट्रेंड में है ये, और डेली के हिसाब से बुलिशनेस बनी हुई है, तो स्टॉक एक तरह से यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए रिजल्ट से पहले। तो रिजल्ट का वेट करिए जो ऊपर के लेवल पर फंसे हैं। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।